वेल जो मेरी सेलिब्रेशन है वो एक लॉर्ड्स के अंदर हम मैच खेल रहे थे और ट्रेस कौतिक ने शॉट मारा और फिर मैंने और शुएब मलिक ने एक साथ ट्राई की जिसमें मैंने कैच किया और उसके बाद वो सेलिब्रेशन वहाँ से शुरू हुई। एंड देन फिर बॉलिंग करते वक्त भी दो तीन दफ़ा मैंने ट्राई की, लोगों को बहुत पसंद है, स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आना शुरू हो गई, खासतौर पर मेरी बेटियों को बहुत ज़्यादा पसंद आना शुरू हुई, तो उसके बाद से उस चीज़ को मैंने कंटिन्यू किया। ये आई थिंक मेरा अंदाज़ है जिस तरह मैं अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करता हूँ, तो ये अभी से नहीं है, ये बहुत देर पहले से है और ये उन लोगों को पता है जो मेरे साथ खेले हुए हैं, तो मैं इसके बारे में इतना ही कह सकता हूँ और ये कोई प्लान नहीं है, ये बस मेरे से हो जाता है। जब अंडर 19 इवन क्लब के मैचेस में जब मैं पाकिस्तान खेलता था तो मैं करता था, तो मैंने बताया जो लोग मेरे साथ खेले उन सबको पता है कि मैं आई यूज़ टू बी द सेम गाय हु सेलिब्रेट एवरी विकेट, मेरे लिए स्पेशल थी हर चीज़। जब मैं शुरू में आया तो ऑब्वियसली मैं किक भी करता था साथ में, तो मुझे किसी सीनियर प्लेयर ने बताया कि ये किक जो है ना डजन लुक गुड, तो आप इसको अगर चेंज कर सकते हो तो कर लो, तो देन मैंने उसको चेंज किया और फिर उसके बाद जस्ट नॉर्मल अपना जो सेलिब्रेशन स्टाइल है मैं तो उसको बॉम्ब कहता हूँ, बट जो है मेरे फैंस हैं वो ऑब्वियसली इसको जनरेटर कहते हैं, तो इट्स गुड फॉर मी। मुझे नहीं याद लेकिन आई थिंक मैंने किया था वेस्ट इंडीज़ के ऊपर, आई थिंक नहीं, आई थिंक उससे पहले इंग्लैंड में भी किया था, बट आई एम नॉट श्योर। कुछ भी नहीं था, एक फास्ट बॉलर की लुक थी और उसके बाद जस्ट सडनली मेरा ख्याल है पहले जो आउट किया था वो बस मजाक से मैंने उसको थोड़ा सा मूंछों को दिया, लेकिन उसके बाद फिर वो लोगों को भी पसंद आना शुरू हो गया, मैंने भी इन्जॉय करना शुरू कर दिया, तो फिर उसको रख लिया।